हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह से ब्लॉग मेरा अभी स्टार्ट हो गया है, बट आज का मेरा ब्लॉग शाम को जाएगा। शाम को ही 7 बजे हमको लग रहा है, 7, 7:30, 6, 7 भी बज सकता है, जो भी टाइम है। कुछ टाइमिंग अभी चेंज चल रहा है, तो आज का ब्लॉग जाएगा। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और अच्छे अच्छे चीज़ें होंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने से लगेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो ही कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा भी लगे ना तो फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो अभी चलिए चलते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग करने। आज कुछ खास है इसीलिए आज मेरा ब्लॉग लेट पहुंचेगा और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर होगी। तो चलिए चलते हैं, अब मैं किचन में चलती हूँ। किचन से ही स्टार्ट, किचन से ही ख़त्म होगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी खास है और बिना देखे आप लोग मानिएगा मत, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं अपने किचन के काम से। तो गाइस, यहाँ पे मैं अब किचन में आ चुकी हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, अब किचन से मेरी काम फटाफट स्टार्ट है। कढ़ाइयाँ, बर्तन, जो जैसे डेली यूज का ये सब नहीं है, जब कुछ खास रहता, कुछ कोई लोग आने वाले रहते तो ये सब चीज़ें सारे बर्तन हमें निकालने पड़ते हैं। ऐसे मैं सारे रख देती हूँ डेली यूज में। मेरा छोड़ एक 5 लीटर का कुकर है, वो यूज नहीं डेली में, वो भी नहीं यूज आता है। बस 3 लीटर का जो कुकर है वो यूज आता है, तो उसे मैं यूज करती हूँ। बाबू कुछ लेके हाथ में आया था तो मैं उसका हाथ देख रही थी, क्या करूँ मंजन करने के लिए। उसे सुबह सुबह ब्रश मंजन मैं बोल रही थी करने के लिए, और सुबह सुबह दूध वाले भैया भी दूध लेके आ जाते हैं, वो भी बाइक वाइक के साथ आते हैं हॉर्न देते हुए। तो यहाँ पे वो दूध लेके आ गए थे, तो मैं उनका खाली करके वो डिब्बा जो होता है दूध को निकाल के मैं उनको वापस करना था, तो मैं फटाफट ये सब करने में लग गई थी। और आज के वीडियो में मैं आप लोग से बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में सुबह में जो बातें की थी उसके बाद मुझे करने का एकदम टाइम नहीं था। फटाफट मैं काम में लग गई थी, क्योंकि आज बहुत लोगों का अधिक से जैसे डेली का जो फैमिली होती है उनका तो वर्क जो होता है। तो आप लोग को मालूम है कि आज कुछ खास था, इसीलिए आज आप लोग को ब्लॉग इतनी टाइम। तो यहाँ मैं किचन में एक साइड पे दूध रखी हूँ, एक साइड में मेरी कोहड़े की सब्जी छौकार लग चुकी है, तो एक साइड इधर मैं खड़े खड़े वो छील भी रही थी गाजर। तो यहाँ गाजर छिल रही थी और बच्चे सब ब्रश मंजर कर रही थी, उन लोग को भी चाय वगैरह नाश्ता मैं देने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर, और गाजर भी छीलते हुए मेरे सारे काम। और आज मैं किचन में एफ्रन भी अपने पहन के कुकिंग करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी हूँ। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए कि क्योंकि जो कपड़े कोई भी कपड़े अपने हुए पहनते हैं ऐसे, और ये नमक के पैकेट में इसलिए मैं अलग से रखी हूँ क्योंकि खाना जो भोजन पक रहा है वो ब्राह्मण लोग खाएंगे, तो ब्राह्मण लोग के खाने के लिए कुछ साफ़ चीज़ें हमेशा रहना चाहिए। तो मैं आधे नमक उसमें डाल दी थी, आधा नमक मैं रखी थी। यहाँ मेरे गाजर छिला गए हैं, अब मैं इसे बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। और सब्जियाँ मम्मी बैठ के काट रही हैं, आलू है, परवल है, शिमली मिर्चें हैं, बीन्स हैं, सारी चीज़ जैसे कटे हुए थे सारी चीज़ मिक्स करके मिक्स वेज बनाई थी मैं। तो मैं इनसे उधर बातें भी कर रही थी और फटाफट अपने काम भी कर रही थी, ये कुछ कर रही थी तो मैं ऐसे दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे नहीं होता है, तो इनसे वही समझा रही थी और कुछ कर रहे थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, बहुत बातें कर रही थी, तो वही बोल रहे थे कि चले गए कह छोड़ो जाने दो, तुमसे बात ही करना बेकार है। तो यहाँ पे मैं उनको समझा रही थी कि हर बात को ऐसे गुस्सा हो के नहीं बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, हमेशा लड़ाई नहीं के मूड में नहीं रहते हैं। तो यहाँ मेरे देखिए गाजर जो है ये हो रहे हैं और परवल हो चुका है, फिर अभी बीन्स और शिमला मिर्च, उस शिमली मिर्च को उतना नहीं पकाना, बीन्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, मेरे उबल के रखा चुके हैं एक साइड में। तो मैं बनाऊंगी मटर पनीर और बिना लहसुन प्याज की सारी सब्जियां बनेंगी, और लहसुन प्याज का कोई भी यूज नहीं होगा, सारे एकदम सिंपल तरीके से ब्राह्मण लोग को खिलाना है। तो यहाँ का और गर्मी तो आज बाबा रे कितनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी कि कहने की बात ही नहीं है। इधर कोहड़ा एक साइड में देखिए मैं छौकार लगा रही हूँ, एक साइड में मेरा गाजर हो रहा फ्राई हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा इंसान के जीवन में होता है ना, जिन्हें हम कभी नहीं देखते हैं या कभी उनसे मिले नहीं होते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो आज उनके लिए मैं इतने सारे बीन्स है, देखे बीन्स भी मैं गाजर में डाल के पका दे रही हूँ,
आज उन्हीं के लिए जिन्हें मैं कभी नहीं देखी, मैं कभी मिली नहीं, नसीब में ही नहीं थे, आज उनके लिए मैं इतने सारे पकवान बना के सबको खिला रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। तो ये भी भाग्य की ही बात होती है, बड़े भाग्य से ही ये सब काम को करने को मिलता है, सबके जीवन में ऐसा सुख नहीं मिलता। इसलिए ये भी सुख की भी बात है कि जहाँ फैमिली होती है, जहाँ सारे लोग होते हैं, वहीं यूज ये सब चीज़ें हो पाती है, नहीं तो ऐसे में अकेले में आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। तो हाँ, यहाँ पे फैमिली के ही साथ ही सारी सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। यहाँ मैं छोकर लगा के चली गई थी उधर साइड में, तो एक साइड में और मम्मी गाजर काटने की बोली तो कम लग रहा, लाओ थोड़ा और काट दे, जो कि सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा बच चुकी थी। तो यहाँ पर मैं बीन्स और गाजर को पका रही हूँ, और एक साइड में कोहड़े की सब्जी जो मीठी वाली बनती वो वाली मैं सब्जी कोहड़े की बना रही हूँ, जिसमें चीनी, हल्की सी चीनी, नमक भी पड़ता है, और जब हो जाता है तो उसमें हल्का सा चीनी भी पड़ जाता है, तो वो फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। मीठा मीठा नमक ये चीज़ तो लगता है। यहाँ देखिए उसी जो परवल है था उसी में मैं बीन्स को और गाजर को भी निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें आलू तलूँगी और शिमले मिर्चे को तलूँगी, दोनों चीज़ तल के इनका, पहले शिमले मिर्चे को तलती हूँ, उसके बाद मैं पूरी प्रॉपर तरीके से कुकिंग आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ। हाँ, बस ब्लॉगिंग हो रहा था, मैं आप लोग के साथ सोची क्यों ना अच्छा अच्छा बना रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। और खाने वाले करीब से मुझे लगते हैं 25-26 लोग हो गए थे, जिसको जिसके लिए पूरी इतनी तरीके से भोजन बनाना था, और मैंने सारे काम ऐसे अकेले किए। बाद में भाभी आ गई थी, मेरी जेठानी जी हैं, बट उन्हें मैं ब्लॉग में नहीं ले, सबको नहीं पसंद आता है कि वीडियो में आना या नहीं आना, तो ये सब चीज़ें आदमी को सबके मन का नहीं हो पाता, क्योंकि अच्छा नहीं, क्योंकि सबको नहीं ये चीज़ अच्छा लगता है वीडियो में आना और वीडियो में दिखाना। तो इसलिए मैं किसी को, जिसका नहीं मन होता, मैं किसी को भी नहीं फोर्स करती कि आप मेरे वीडियो में आओ और या वीडियो में डालूं। मैं खुद मैं बचा के वीडियो बनाती हूं कि वो मैं नहीं दिखाऊं। भाई कैसे हैं कैसे नहीं, सबके अपने अपने नेचर होते हैं। मेरे हाथ जल गए कढ़ाई सही करने में, कपड़े उधर साइड में रख दी थी, ध्यान नहीं दी कहाँ पे है क्या नहीं, तो फटाफट बस मुझे काम में लगना था, और काम की वजह से मैं एकदम पूरी तरीके से काम में, मैं कहती हूँ ना जब मैं किचन में काम करती हूँ तो पूरी तरीके से तन मन से अपने पूरे काम में लग जाती हूँ प्रॉपर तरीके से, कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो, या हम किसी को खिलाते हैं या करते हैं तो वो इतने अच्छे से हो जो कि कुछ भी। और सारी चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, कैसे कैसे क्या करना है सारी चीज़। तो यहाँ देखिए शिमला मिर्चा, बीन्स, गाजर, परवल हो चुका है, इधर आलू हो रहा है, कोहड़े भी मैं फटाफट, अभी भी ये भी पक चुका है, पकने के बाद मैं जो है कि, तो आज उनके लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है, जिन्हें मैं देखी नहीं, जिन्हें मैं मिली नहीं, जिन्हें मैं एक गिलास कभी पानी वगैरह भी नहीं दी, मिली ही नहीं तो पानी कहाँ से देती, और खाने इतने ढेर सारे पकवान बना के आज उनके ही भाग्य, उनके ही से मुझे करने का मौका मिला। तो ये चीज़ें मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, और मैं हर साल होता है, ये पहली बार नहीं है। आज तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो आज शेयर हो गया, जान गए, तो यहाँ मेरी आदत है। अब आदत मेरी ये भी है कि मैं उसे बार बार मांगती हूँ, रोकती हूँ, लेकिन इसमें कोई भी खाने को झूठा वगैरह नहीं करना है, सारे बहुत आराम से करने हैं, और बच्चे से चाहे उनसे तो बचा के अच्छे से करना है। तो यहाँ पे पंडित जी लोग, क्योंकि हम ब्राह्मण को खिला रहे हैं, हमारे जो ब्राह्मण खाते हैं, तो उनके लिए अच्छे तरीके से करना होता है, हर चीज़ बारीक से ध्यान देना होता है, सही गलत ना हो, क्योंकि हम इस सब चीज़ें जो भी करते हैं तो हम लोग जब करते हैं बहुत ही तरीके से करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही फटाफट लगी हुई थी, और मेरी एक सब्ज़ी अब कोहड़े की भी करीब हो चुकी है, और ये सब्ज़ियाँ मिक्स वेज जो बनाना है ये भी हो ही चुका है, बस मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए यहाँ मैं पनीर भी अपनी काट के रख ली हूँ, और मटर तो उबाल के रख ही ली थी, तो मैं यहाँ पे अब बनेगा मटर पनीर। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, अपने जो मसाले वगैरह साफ रखी हूँ एक साइड में, जैसे मंथली का आता है तो थोड़ा मैं अपने डिब्बे में भरती हूँ, थोड़ी एक साइड में हटा के रख देती हूँ, इसलिए हटा देती हूँ कभी ज़रूरत पड़ गई, कुछ हो गया तो हमें ज़रूरत है, किसी को खिलाना हुआ, किसी ब्राह्मण को, या कहीं दान देना हुआ, कुछ हुआ, तो वो जूठन, जूठन का मतलब ये होता है कि कोई मुंह से जूठा नहीं करता है, बस वो इसमें से यूज होता रहता है, इसलिए उसे ध्यान देना होता है। तो यहाँ मैं हल्दी का पैकेट नहीं ही रखी थी, उसे मैं खोली, और खोलने के बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी,
और यहाँ पे फटाफट वही सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। यहाँ चाकू से मैं हल्दी का पैकेट खोल दी। अब मैं इसमें अपने पनीर में आधे चम्मच हल्दी ऐड करूँगी, आधे चम्मच हल्दी और लाल डेगी मिर्च थोड़ा सा ऐड करूँगी, जो हमारे पनीर के कलर को काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ये आधा चम्मच देखिए हल्दी है और मैं इसे ऐड कर देती हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा डेगी मिर्च भी ऐड कर दूँगी, और करने के बाद जब मैं हल्का सा फ्राई कर दूँगी तो इसके कलर, इसके खाने के टेस्ट एकदम हट के अच्छे से हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं, सादा सादा सा लगता है, प्लेन डाल दो तो अच्छा वो भी लगता है, सादा लगता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन आप बहुत तेज़ आँच में बस खाली इसको एक बार फ्राई तरीके से, क्या बहुत देर तक इसे तलिए नहीं, बस डालते जाइए और लाल इसका कलर ब्राउन हो उसके बाद उसे हटाते जाइए। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट मिला लेती हूँ और तैयारियाँ स्टार्ट कर देती हूँ क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। तो आई होप आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हमें चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आप लोग से थोड़ी देर बाद, तब तक आप लोग उस म्यूज़िक के साथ में मिलिए। तो गाइस यहाँ देखिए अब मैं आलू का भी हो गया है, आलू भी हो गया, अब मैं इसे खाली कर रही हूँ कढ़ाई को अच्छे तरीके से साफ। तो ये देखिए अब मेरे मसाले फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, पनीर का मसाला है जो बारीक तरीके से, और बिना लहसुन प्याज का है ये मसाला, तो आप लोग को आई होप पता होना चाहिए कैसे मसाले, तो बिना लहसुन प्याज के ये मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए इतने अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। काफ़ी हर चीज़ मुझे बताते हुए ना बनाने का इंटरेस्ट होता है, मुझे कुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मसाले मेरे फ्राई हो चुके थे, जो कि देखिए तेल किनारे किनारे से जो जितनी ऑयल थी सब छोड़ चुके हैं। तो यहाँ मैं मटर इसमें ऐड कर रही हूँ, मटर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वो जो पनीर का पानी था उसको भी मैं इसमें ऐड करके भून दे रही हूँ अच्छे से, नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मसाले भुना रहे हैं, और मैं इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल ही चुकी हूँ, क्योंकि टमाटर प्यूरी डालने से अच्छे थोड़े से प्यूरी बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बस इसमें डाली हूँ, मैं उसे नहीं दिखाई हूँ, तो मैं बोली प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कुकिंग करते हुए आप लोग को दिखाओ, बस जितना आप लोग के साथ शेयर हो चुका बस मैं उतना कर दी, क्योंकि सभी ब्राह्मण लोग करीब करीब धीमे धीमे आना स्टार्ट हो गए थे और सारी सब्जी मेरी हो गई थी, पनीर ही बाकी थी और खीर भी हो चुका था। तो यहाँ देखिए मसाले ये भी अच्छे से कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, मटर भी इसमें पड़ चुके हैं, प्यूरी भी पड़ चुकी है। चलिए अब पनीर और पानी सब ऐड कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी सब्जी, आई होप आप लोग को ऐसा मेरी सब्जी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे सारे कुकिंग करने खीर तो मैं एकदम नहीं दिखाई थी, तो आपको थोड़ा सा कटोरी में अलग से दिखाई दे देगा खाने के साथ, और एक मीठा भी आया था तो वो भी रसगुल्ला। तो चलिए हो गया पनीर, अब मैं चलती हूँ फटाफट इसे भी हटा देती हूँ साइड में, और जो काम है फिर उसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब काम बहुत ज़्यादा है और देखिए इतनी बड़ी कढ़ाई है और सामान भी अधिक है, तो थोड़ा सा कहती हूँ ना बच बच के सारे काम करने होते हैं, और डर लगता है कभी जल ना जाऊँ इसलिए बच कर। तो चलिए अभी दिखाती हूँ पूरी थाली कैसे बनी है खाने, तो कैसा लगा, आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करके जरूर आइएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।